हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, HAS की 2017 की नोटिफिकेशन आ गई है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे कितनी पोस्ट हैं, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न क्या है, और इसको अप्लाई हम सिर्फ ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं, ओनली ऑनलाइन मेथड। एंड इसकी वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in/hppsc। तो इस साइट पे जाके आपने लॉग इन करना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ताकि आप कोई दूसरा फॉर्म भी भरते हैं तो उसके लिए भी आपको ये रिक्वायर्ड रहेगा। अगर हम बात करें पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सबसे पहले HAS की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पोस्ट है वो 10 हैं। यहाँ पे आप इसका पे स्केल और ग्रेड पे देख सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्लिट क्या है पोस्ट का, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट है, जैसे एक SCO, SC, ST, एक OBC, एक एक्स सर्विसमैन और 6 अनरिजर्व पोस्ट है। इसके अलावा HPS पुलिस के लिए 2 वैकेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड एंड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स में 1 वैकेंसी है। इसके बाद तहसीलदार की 14 पोस्ट हैं और इसमें 4 अनरिजर्व्ड है, एक एक OBC एंड एक ST, 2 SC के लिए पोस्ट हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की 4 वैकेंसीज हैं, इसमें एक एक्स सर्विसमैन जनरल है, एक वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है और 2 अनरिजर्व्ड है। इसके बाद ये अभी 3 जनवरी को ऐड की है, ये पहले नहीं थी, तो 16 पोस्ट बढ़ाई गई है, अब कुल मिला के 47 पोस्ट हैं। तो अभी यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है नोटिफिकेशन में कि अगर गवर्नमेंट की साइड से 31 मई 2018 तक कोई और प्रपोजल आता है तो शायद ये पोस्ट बढ़ाई भी जा सकती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एज लिमिट 21 से 35 साल है 1 जनवरी 2018 तक। 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी SC, ST एंड OBC के लिए, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर HPS के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है वो अप्लाई करते हैं तो उनकी एज 42 तक होनी चाहिए टिल जनवरी 2018, और जो चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए जो उनके नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी एज जो है वो डिसाइड की जाएगी। उसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपए रहेगा, कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स के लिए भी 400 है, चाहे वो किसी रिजर्व कैटेगरी के क्यों ना हो। SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन ऑफ HP जो है उनके लिए 100 रुपए है, और जो अपनी एक्स सर्विसमैन जो अपने टेन्योर पूरा होने से पहले जॉब छोड़ चुके हैं उनके लिए 100 रुपए होगी, एंड जो पूरा टेन्योर कंप्लीट करने के बाद इस सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं होगी। ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड ऐसे लोगों के लिए भी जो स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए भी फीस एक्सेम्प्ट है। सेंटर्स की बात करें तो शिमला, सोलन, मंडी, सुंदरनगर, पालमपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, नाहन, ऊना, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर एंड कुल्लू, ये सेंटर्स रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस होंगी एग्जाम की। फर्स्ट स्टेज है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें पेपर 1 जनरल स्टडीज का होगा और पेपर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 200-200 नंबर के ये दोनों एग्जाम्स होंगे और क्वालिफाइंग नेचर होगी, मतलब ये जो पेपर होगा ये मेन मेरिट लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। सेकंड जो है वो मेंस है, इसमें ऐसे GS1, GS2, GS3 एंड ऑप्शनल पेपर्स होंगे। GS मतलब जनरल स्टडीज, एंड ये 100, 200, 200, 200 प्लस सारे 900 मार्क्स के पेपर होंगे, एंड इसको ये पेपर वही दे पाएंगे जो प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे। स्टेज 3 में अगर हम बात करें तो वाइवा वॉइस होगा, इंटरव्यू होगा 150 मार्क्स का। अगर
इसकी स्कीम की बात करें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें होंगी, तो दो जैसे हम बात कर चुके हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड दो पेपर होंगे, 100 100 मार्क्स के, और सॉरी 100 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स एक पेपर का होगा, और 400 नंबर का ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, जिस क्वालिफाई करना है मेंस के लिए तो ये पेपर आपको पास करने होंगे। तो अगर पेपर वन की बात करें जिसका कोड 01 रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और आप गलत करते हो तो आपके सही किए गए क्वेश्चन से 0.75 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर सिलेबस की बात करते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा जाएगा, हिमाचल की जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल आर्ट एंड कल्चर है उससे क्वेश्चन आएंगे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इम्पोर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन और नेशनल मूवमेंट मतलब 1857 के बाद के क्वेश्चन ज्यादातर रहने वाले हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड देन जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये आप ल्यूशेंट या अरियंत की किसी बुक से रेडी कर सकते हो, साथ में आपको करंट अफेयर्स अपडेट करने पड़ेंगे, आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हिमाचल करंट अफेयर के लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, एंड काफ़ी हिमाचल जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी सारी वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है और आगे भी कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा पाऊँ। बाकी काफ़ी सारी अदर साइट्स हैं जिसमें आप इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री जैसे अन अकेडमी से आप काफ़ी प्रेपरेशन कर सकते हो, एनसीईआरटी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट जस्ट एनसीईआरटी पढ़ लेने से ये एग्जाम पास नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको दूसरी बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, एनसीईआरटी जस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की पेपर टू की बात करें जो प्रिलिमिनरी का है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, एक पैसेज दिया जाएगा उसमें से आपको पढ़ के उसमें से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें कुछ सिचुएशंस आपको दी जाएंगी और आपको उनके सॉल्यूशंस बताने हैं, उनमें क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको सिचुएशंस मिलेंगी उसमें आपको सॉल्यूशन देने हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, बेसिक न्यूमेरेसी गणित के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछे जाएंगे, बट ये जस्ट 10th लेवल से ऊपर नहीं पूछा जाता है, तो आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है और ताकि आप इन सब को सॉल्व कर पाए। उसके बाद अगर मेंस रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, तो अगर आप क्वालिफाई करते हो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन तो आपको ये पेपर देने होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी ये दोनों पेपर्स आपको 40% से ज़्यादा मार्क्स लेके पास करने हैं और ये मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। इसके बाद एसए का पेपर है 100 मार्क्स का, जनरल स्टडी 1 में 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल स्टडी 2 में 200 एंड जनरल स्टडी 3 में 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ऑप्शनल में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, ये जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, इंडियन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेडिकल साइंस केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी फिलोसफी लॉ एंड सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ज्योग्राफी एग्रीकल्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग हिंदी संस्कृत उर्दू इंग्लिश लिटरेचर साइकोलॉजी जियोलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंथ्रोपोलॉजी फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। तो जो भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, जो भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया है वही सब्जेक्ट ऑप्ट करें। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं जिनको आपने अपने ग्रेजुएशन में नहीं लिया है, बट यू कैन स्कोर यू कैन गो फॉर दैट, बट मेक श्योर आप उसकी आपके पास उतना टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, अदरवाइज अपने सब्जेक्ट के हिसाब जाइए और 2-3 बार रिविजन से आपका काम चल जाएगा।
अब अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो 150 नंबर का होगा, बट आपको हिंदी और इंग्लिश 40% के साथ क्वालिफाई करना है, ये जो सेक्शन है ये वाला। एंड उसके बाद आपके टोटल मार्क्स सी एस से GS 1 2 3 प्लस ऑप्शनल और इंटरव्यू के कुल मिला के 1050 मार्क्स होंगे। तो ये आपको इसमें से फाइट करना है। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।